आंवले का मौसम आते ही घर में उसकी चटनी, मुरब्बा, अचार वगैरह बनाना शुरू हो जाता है। आंवले को कैसे भी खाओ, उसके फ़ायदे वहीं के वहीं रहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आंवले का मौसम जाते जाते मैं आपके लिए एक छोटी सी रेसिपी लेके आऊं, जो कि है आंवले की स्वादिष्ट खट्टी मीठी चटनी। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माई चैनल। और आज मैं लेके आई हूँ आंवले की स्वादिष्ट खट्टी मीठी चटनी। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए खड़े मसाले, काला नमक, सफ़ेद नमक, लाल मिर्च पाउडर, आप इसकी जगह हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, धनिया पाउडर, गरम मसाला, गुड़, लहसुन अदरक और आंवले। आंवले को हम 3 सीटी लगाकर पका लेंगे। जब हमारी 3 सीटी लग जाएगी, थोड़ा सा हम उसे आंवले को ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद हम उसकी गुठली अलग कर लेंगे। जो आंवला बचेगा हम उसे मैश कर लेंगे अच्छी तरीके से। मैश करने के बाद वो कुछ इस तरह का लगेगा। इसके बाद आप रखें कढ़ाई और उसमें आप अपने मन चाहा सरसों का तेल या रिफाइंड कुछ भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने डाली है हींग, खड़े मसाले, जिसको हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। इसके बाद हम लहसुन और अदरक को चॉप कर लेंगे। ध्यान रहे बहुत ज़्यादा बारीक भी ना करें और बहुत मोटे भी ना रखें। हमारा मसाला भून रहा है तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये चटनी कितनी ज़्यादा लाभदायक है। इसमें ये आंवले की चटनी है तो इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी है। जिन लोगों के विटामिन सी की कमी है वो इसका सेवन करें। किसी के शरीर में खून की कमी है, अनीमिया है, तो वो इस चटनी को खाएं। नाश्ते में खा सकते हैं, कैसे भी किसी भी चीज़ के साथ इसको खा सकते हैं। अगर किसी के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, तो बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर किसी को ब्लड प्रेशर की दिक्कत है तो वो भी खा सकते हैं, और अगर किसी को मोटापा है तो वो भी खाएं। तो हाँ दोस्तों, मैंने इसमें डाला है अभी मैश करा हुआ आंवला, उसके बाद मैंने काला नमक, सफ़ेद नमक, और अब मैं जितने भी मसाले हैं, धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, आप इसकी जगह हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये सब हम मसाले इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसको भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे गुड़, जो कि हमारे लिए गुड़ भी बहुत अच्छा है, जो हमारे आयरन की सोर्स, आयरन की कमी हमारे को पूरी करता है ये। और गुड़ वाली चीज़ तो चाहे शुगर वाले पेशेंट्स हैं वो भी खा सकते हैं, क्योंकि चीनी उनके लिए नुकसान देती है, तो गुड़ उनके लिए नुकसान नहीं देता। तो गुड़ तो कोई भी खा सकता है, ख़ास तौर से वुमेंस जो होती हैं उनके अंदर आयरन की कमी आ जाती है, तो वो ज़रूर खाएं इस चटनी को। आसान सी है चटनी, इसमें कुछ और नहीं मिक्स करना, आपने बस सब कुछ ऐड कर लिया और अच्छे से अब आप मिक्स करते चले जाएंगे। और जो हमारा गुड़ है उसको आप ऐसे दबाते जाएं जिससे कि वो जल्दी जल्दी पिघल जाए, और बस इसको जल्दी जल्दी हम चला लेंगे। और क्योंकि हमें ज़्यादा देर तक भी नहीं चलाना, क्योंकि जो गुड़ है वो फिर चाशनी बनना शुरू हो जाएगा क्योंकि वो पिघल जाएगा, तो हमें इतने मीडियम तक हमने चलाना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना, बहुत ज़्यादा नहीं पकानी है ये चटनी। और बस हमारी चटनी बनके तैयार है। अब आप इसे चाहे नाश्ते में खाएं, लंच में खाएं या डिनर में खाएं, ये तीनों टाइम में बहुत टेस्टी लगती है ये चटनी। और अगर आपको ये चटनी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।